हाय गाइस, तो आज हम बना रहे हैं दिवाली डेकोरेशन के लिए तोरण। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में हम घर में जो जो भी है उससे ही बना लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पेपर लेना है और पेपर का हमें स्ट्रॉ बना लेना है। इस तरह से हमने देखिए स्ट्रॉ बना लिया है। उसके बाद हमें कुछ बेस अराउंड वाला ले लेना है और उसे हमें ऐसे इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद देखिए, इस तरह से हमें उसका बैंगल की तरह बना लेना है। देखिए इस तरह से, ये बहुत ही आसान है और जो भी हमारे घर में है उससे ही हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप बनाकर ज़रूर देखना। तो देखिए, यहाँ पे हमने पेपर को इस तरह से कर लिया है और उसे इस तरह से हमें ऊल से पूरा हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप कुछ कौन सा भी अलग कलर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने रेड कलर का ऊल लिया है। इस तरह से हमें पूरा इस ऊन को उसके ऊपर लिपट लेना है। और इस तरह से आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप ले सकते हैं। हमने सिर्फ पाँच ही बना लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट तक इसके एंड को चिपका लेंगे ताकि ये निकल ना सके। यहाँ पे हमें अच्छे से चिपका लेना है क्योंकि ये ऊन कभी कभी निकलता है। तो देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है और इसी तरह से हमने और चार भी बना लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे घर में जितना भी कुछ मोती वगैरह है उसको ले लेना है। और उससे पहले हमें एक टसल बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने टसल के लिए ग्रीन कलर का धागा लिया है। जो हम साड़ी में टसल्स बनाते हैं उसका ही धागा है। आपको अगर ऊन का चाहिए तो आप उसका भी बना सकते हो, लेकिन इस धागे पे थोड़ी चमक रहती है इसलिए हमने इस वाले से बना लिया है। देखिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, हमने छोटा ही बना लिया है। और उसके बाद उसके ऊपर भी हमें धागे से उससे टाई कर लेना है। उसके बाद हमें कट करके उसे अच्छे से टसल्स का शेप दे देना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने टसल्स बना लिए हैं। और इस तरह से हमें एक वाइट कलर का धागा चाहिए। और देखिए, यहाँ पे हमने जो भी हमारे मोती वगैरह था वो हमने सब लिया है और इससे ही हम अब ये बना लेंगे तोरण। तोरण या लटकन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसके हमें इसे सुई में पिरो लेना है और उसके बाद हमें इस मोतियों को भी उसमें पिरो लेना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, तो आप बनाकर ज़रूर देखना। और ये आप राउंड शेप में भी रख सकते हैं। हमने थोड़ा सा उसे पान की तरह शेप दे दिया है, आप राउंड भी रख सकते हो।
तो देखिए नीचे की साइड हमने इस तरह से मोती लगाए हैं, और इसके बाद अब हमें ये इसमें पिरोना है। यहाँ पे हमने एक चिपका लिया है, लेकिन इसे चिपकाना नहीं है, हमें लगा था वो अच्छे से रहेगा, लेकिन वो अच्छे से रहा ही नहीं। पहले हमें आइडिया ही नहीं था कि इसे कैसे पिरोए, लेकिन अच्छे से हमने फिर आप देख सकते हैं बाद में हमने सुई से ही इसे पिरोया है, क्योंकि वो सुई से किया तो अच्छे से टाइट हो जाता है और फिर निकलने का कुछ नहीं रहता। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरा वाला सुई से ही पिरोया है। आप सुई से ही पिरोए, ऐसे चिपकाइए मत, वो निकल ही जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से एक एक धागा लेकर पिरोया है, और इसी तरह से हम एक राउंड वाला डालेंगे, और उसके बाद दो दो मोती डालेंगे, और फिर से हम वो रेड वाला डालेंगे। इसी तरह से हमें पूरा कर लेना है। आप इसे ध्यान से देखिए हमने किस तरह से वो पिरोया है। वो अंदर पेपर की वजह से थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए से जल्दी से वो उसमें सुई नहीं घुसती। तो देखिए इस तरह से फिर से हमें एक राउंड डालना है, और उसके बाद दो मोती डालने हैं, और फिर से वो रेड वाला एक डालना है। आप उस रेड के अंदर एक एक वोटल सेल्स भी लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाए, हमने सिर्फ नीचे ही लगाए हैं। आप उसमें ही लगा सकते हो, बाद में आप चिपका सकते हो। देखिए यहाँ पे अब पूरा हो चुका है, और उसके बाद भी हमें मोती मोती ही उसमें पिरोना है। देखिए ये पहले हमने एक राउंड लिया है, उसके बाद हमें मोती पिरोने हैं। जैसे हमने नीचे की साइड भी किया है, वैसे ही हम ऊपर की साइड करेंगे, सिर्फ टसल्स नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना आसान है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर यही हम अगर बाज़ार में जाए लेने के लिए, तो यही हमें 100 या 150 रुपए में मिलेगा, लेकिन घर में हमने सिर्फ कुछ चीज़ों से ही बनाया है। और ये मोती हमने वो जो भगवान के लिए हार नहीं होते क्या, उसमें से हमने लिए हैं, जो ख़राब हो चुका था हार, तो उससे ही हमने निकाल के लिए है। तो इसलिए हमें तो इसका 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ क्या वो जो हो सकता है धागों का 5 या 10 रुपए में हमारा पूरा ये लटकन तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगता है ये लटकन। और अगर आप ऐसे इस तरह से आप दो चार बना लेंगे और आप दीवार पे लगा लेंगे, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपने लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू सो मच।